नमस्कार, मैं जहांगीर आलम, आप देख रहे हैं गोल्ड फिल्म मिरर, हर पल आपके साथ। हमें एक प्रस्ताव दीते जाए हमरा रिसेंटली 23 दिसंबर हमारे प्रेसिडेंट जी छिले हिमाचल प्रदेश में परमाणु एक सिटी जिला थे के अनेके এসেছে তা আমরা চাই যে আপনারা জেলায় ট্রান্সপোর্ট সংগঠনটা এখন এমন একটা সংগঠন বিরাট মজবুত সংগঠন হবে কারণ আজকে আপনারা জানেন পাবলিক সেক্টর প্রাইভেট সেক্টর ছোট ছোট জন্য আমি আপনাদের কাছে আবেদন করছি এবং সেটা যোগাযোগ করে আমাদের রাজ্য সভাপতি কামরুজ্জামান কামার আছে তাকে আপনারা সংবাদ দেবেন। নমস্কার। टीएमसी का तो मॉरल सपोर्ट तो है, प्रिंसिपल सपोर्ट है, मगर एक्शन सपोर्ट अभी तक नहीं आया, तो एक्शन का सपोर्ट में वो भी आ जाएंगे, कल परसों में बातचीत करेंगे, उनको हमारे साथ लेने की कोशिश करेंगे। रिसेंट डे में ऐसा कोई आप लोग का आंदोलन है जिसको आप लोग सक्सेस कर पाए? बहुत से बातें की हमने, जितने आंदोलन किए हैं उसका असर है कि मोदी सरकार बहुत से बातें नहीं कर रही है। राज्यसभा में तो उसकी संख्या है, लोकसभा में वो है, आपका सर अभी कहा अभी है? ऐसा है ना कि राज्यसभा लोकसभा उनका मेजॉरिटी दिए हैं, अब डीओ सवाले ही पछता रहे हैं कि भाई इतना गलत आदमी को इतना वोट दे दिए, गलत किए हैं, इसलिए आज जो है ना जो भी काम करो आज देखे सिटीजन के ऊपर कितने लाखों लोग जमा हो रहे हैं, एक जगह एजिटेशन कर रहे हैं, फायरिंग हो रही है, लोग मर रहे हैं, ये सब मोदी के फेयर में थोड़ी है, मोदी के अगेंस्ट में कर रहे हैं, पब्लिक में एक जागृति नई जागृति आ रही है। इंडिया प्राइवेट की तरफ जा रही है, उसके लिए क्या कर रहे हैं? वो प्राइवेटाइजेशन मोदी का एम ही यही है, वो उनका जाति यही है, इनका कास्ट जो है ना वो प्राइवेटाइजेशन है, उनका जो वो हिंदू मुसलमान नहीं है, प्राइवेटाइजेशन जाति है उनका। बीएमएस का कितना ये है आपको है, जो अभी आप लोगों ने भी कॉल कर दिया? उन्होंने कर दिया है बीएमएस हमारे पूरी बातों से, हमारे डिमांड से सब अग्री करते हैं, मगर एक ही है कि मोदी के क्लब में एक्शन में नहीं जाएंगे, मगर हमारे साथ मीटिंगों में उनको गाली देने के लिए तैयार है। अधिवेशन है और यहाँ सेंट्रल काउंसिल का जो है वेस्ट बंगाल का ये INTC के तरफ से रखा गया, लेकिन जितनी बातें जो डिमांड था, जो ग्रीवांस था, जो पब्लिक के अंदर में ये विचार था वो ये कि इसके बारे में कुछ बोला जाएगा, लेकिन हम लोगों के क्वेश्चन करने से पहले ही आंसर ये मिला कि इन्होंने जितना भी किसी भी मुद्दे को छोड़ा नहीं संजीव रेड्डी ने, इससे हम लोग और हमारी यहाँ की जो जनता है वो काफ़ी प्रभावित हुई है। आज के प्रोग्राम में कौन कौन लोग शामिल हुए? आज के प्रोग्राम में हमारे सेंट्रल यूनियन के जो है संजीवा रेड्डी हुए, आपके मास्टर निज़ाम साहब हुए, कमर साहब हुए, आपके का नाम है राम किशोर सिंह हुए, RP सिंह हुए, CP सिंह हुए और बहुत सारे लोग। ओवरऑल जो प्रोग्राम आज आप लोग कर रहे हैं, कन्वेंशन कर रहे हैं, कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है? रिस्पॉन्स तो बहुत अच्छा मिला है और ये भीड़ से ही पता चलता है कि जितने भी लोग आए उसमें ज़्यादातर इंटेलेक्चुअल ही लोग थे, सूझबूझ वाले। मैसेज क्या मिला यहाँ से? मैसेज ये मिला है कि हमारा जो आंदोलन है, जो हम 8 तारीख को जो स्ट्राइक करने जा रहे हैं, ये उसका पहला जो है मैंने ट्रेलर, हाँ पहला पड़ाव है, और संजीव रेड्डी को देखने के लिए, सुनने के लिए, और ये बनपुर के बारे में भी, प्राइवेटेशन के बारे में, रेलवे के बारे में और बेरोजगारी के बारे में, यूथ के बारे में, सारे मुद्दे को इन्होंने अपने स्पीच में लोगों के सामने में रखा और सारे लोगों ने ये किया, यहाँ तक कि उन्होंने NRC के बारे में भी माने बातें जो है कहा कि भाई ये बहुत जुल्म हो रहा है, ये नया कानून जो लाया जा रहा है इससे आप कौन होते हैं कि हमसे ये पूछेंगे कि आप क्या कर रहे हैं, क्या खाते हैं, आपके कितने बच्चे हैं, आप कहाँ के रहने वाले हैं, है? होने वाला, उसमें आप लोग भी समर्थन हैं? हाँ, हम लोग भी समर्थन हमें है। क्या लगता है कितना दबाव दे पाएंगे सरकार? सरकार को तो दबाव तो पड़ ही रहा है, लेकिन सरकार जो है अपने हट पर जीत पर है, क्योंकि वो मेजोरिटी में है और मेजोरिटी में होने के वजह से ये गरीबों की आवाज़ को दबा रही है। वो गरीबों के ही नहीं बल्कि देश की जो सही चीज़ है वो सही विचारधारा से हट करके वो झूठा प्रचार और लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि काना भाई ये जो है कांग्रेस की लगाई हुई आग है, ये पॉलिटिकल है, ये है वो है, लेकिन यहाँ तक कि इन्होंने पार्लियामेंट में भी माने मोदी जी ने भी कहा और अमित शाह ने भी कहा और आज जो है वो बोले हमने कुछ कहा ही दोनों का बयान अलग अलग, हाँ आज दोनों का बयान अलग अलग आ रहा है, तो इससे मुमताज़ हसन है, मैं तो यहाँ एक्स MLA हैं। अच्छा है कि हम उस वक्त परेशान होते थे जब हम तनाव होते थे, लेकिन जब हम सारे
माने पब्लिक सेक्टर में और प्राइवेट सेक्टर में जो ट्रेड यूनियन है, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, सब मिल करके हम लड़ रहे हैं, तो हमारे अंदर मजबूती आई है और हमारे जो बात होगी वो एक मुश्तरका बयान होगा, सामूहिक रूप पर होगा और सबके लिए होगा। इसलिए हम इससे ज़्यादा ये हैं, इस बात का उम्मीद रखते हैं कि अबर जो भी हो रहा है, जिस तरीके से 77 में हम सारे लोग, सारी पार्टियां एक होकर के एक विचारधारा पाई थी, उसी तरीके से अभी एक विचारधारा में आ गया और अभी ये साबित हो गया कि देश के अंदर में जो सेकुलर है वो सेकुलर के मानने वाले अधिक हैं, क्योंकि आवाज खुल के आ रही है। हाँ, खुल के सामने आ रही है, स्टूडेंट का भी समर्थन, और पूरे स्टूडेंट का समर्थन है, इसलिए कि ये बेरोजगारी किसी कौम से नहीं है, बेरोजगारी सारे लोगों के लिए है। अगर ये NRC का मामला आता है तो उसमें भी सारे लोग आते हैं, लेकिन इसमें जो क्लासिफिकेशन किया गया, जिसकी वजह से सारे लोगों को, जो समझदार किस्म के लोगों हों कि आपस में ये बांट करके मैंने लड़ा करके जो राजनीतिक कर रहे हैं, उस राजनीतिक का खंडन हो चुका। और जन सर, आज आप यहाँ पे क्या कार्यक्रम कर रहे हो? आज मेरा स्टेट INTUC का जनरल काउंसिल का कन्वेंशन है, उसके माध्यम से हम लोग का इलेक्शन होगा और स्टेट INTUC का बॉडी गवर्निंग होगा। ये आज का करते हैं, कहाँ कहाँ से लोग आए? इसमें डॉक्टर जी संजीवा रेड्डी जो सर्व भारतीय अध्यक्ष हैं वो आए हैं, यूथ के नेशनल प्रेसिडेंट संजय गावा जी आए हैं, वाइस प्रेसिडेंट INTUC के CP सिंह जी आए हैं, और राकेश्वर पांडे मेटल फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी हैं वो आए हैं। कितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं प्रोग्राम में, कहाँ कहाँ से और लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं? पूरे वेस्ट बंगाल के जितने भी जनरल काउंसिल हुए आए हैं, स्टेट जनरल काउंसिल वो आए हैं, और यहाँ के लोकल डेलीगेट्स हैं, दिल्ली से भी लोग आए हैं, कुल मिलाकर 1200 लोग। हम लोग देख रहे हैं प्रोग्राम बहुत अच्छा आप लोग कर रहे हैं, आज का प्रोग्राम का मैसेज मैंने क्या? आज का तो मैसेज हम लोगों का कन्वेंशन है। अच्छा, ये स्टेट INTUC जनरल काउंसिल का, आज स्टेट INTUC जनरल काउंसिल के कन्वेंशन में हम लोग एक बॉडी को भी ये करते हैं, फॉर्म कीजिएगा, फॉर्म करते हैं जो पूरा स्टेट INTUC में काम करता है। इन दिनों हम लोग देख रहे हैं कि आप लोग जो आवाज़ उठा रहे हैं, आप लोग आवाज़ को दबा दिया जा रहा है। देखिए, आवाज़ हम लोग उठा रहे हैं, पहले हम लोग टुकड़ों में थे, अब धीरे धीरे सब लोग एकजुट हो रहे हैं और हमको लगता है कि आने वाले दिनों में आस्ते आस्ते हम लोग मजबूत हो रहे हैं और हम लोग अपना आवाज़ जो उठा रहे हैं मोदी सरकार के विरुद्ध में, इसको और भी मजबूती से उठाएंगे। इसके बाद क्या प्रोग्राम होगा? 8 तारीख को हम लोग स्ट्राइक में जा रहे हैं, उसमें भी अगर मोदी सरकार नहीं मानेंगे तो हम लोग फिर जितने भी ट्रेड यूनियन है सारे देश के, सब लोग एकजुट होकर कार्यक्रम करके और भी आगे इससे कड़ा कदम उठाएंगे। झारखंड में जो महागठबंधन को जो जीत मिली उससे कितना उम्मीद जगा? देखिए, महाराष्ट्र और झारखंड में जो जीत मिला है उससे हम लोगों को काफ़ी उम्मीद बढ़ा कि लोगों का जो मिजाज है वो घूम रहा है, और मोदी सरकार का जो नीति है, जो आर्थिक नीति बोलिए, उद्योग नीति बोलिए, लेबर का नीति बोलिए, लोग उससे तरास तरास से डर गए हैं और धीरे धीरे मोदी सरकार के खिलाफ जा रहे हैं। झारखंड में आप लोगों को 16 सीट मिला, क्या कर दिए जो आप लोग इतना सीट जीत गए? नहीं, कर कुछ नहीं दिए, मोदी सरकार के जो नीति है उसके प्रति लोगों ने अपना रोष प्रकट किया है, और कांग्रेस का जो ये लोगों को तक जाकर पहुंचाना था कि वो सच्चाई और ज़मीनी बात को नहीं बोलकर हवा की बात को बोलते हैं, लोगों को ये पता चला कि आज झारखंड या पूरा देश में बेकारी, रोजगार घटना और महंगाई बढ़ना, इस तरह के जो एक्चुअली मुद्दे हैं किसानों के मुद्दे, उस पर नहीं जाकर मोदी सरकार बेकार के और फालतू एक प्रोपोगंडा लाती है, ये लोगों को समझ में आया, इसलिए लोगों ने उनके विरोध में वोट दिया और कांग्रेस का सीट बढ़ा। झारखंड के लोगों से हम लोगों ने बात की तो उन्होंने कहा कि इस बार इलेक्शन का मैनेजमेंट बहुत अच्छा था, कांग्रेस को सीट जो दिए बहुत अच्छे अच्छे लोगों को दिया। नहीं, कांग्रेस ने सीट भी अच्छे लोगों को दिए और आने वाले दिन में कांग्रेस और भी मजबूत होगा और अच्छे लोगों को सीट देगा और मोदी सरकार का डाउनफॉल होगा पूरे देश में। अभी क्या नाम है सर? मेरा नाम हरजीत सिंह है। क्या पोस्ट में? हम वेस्ट बंगाल INTUC के जनरल सेक्रेटरी हैं और ऑल इंडिया INTUC की ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी। थैंक यू।